सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अजय और मेरे इस अजय देवरुख चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जब आप व्हाट्सएप के अंदर ऑनलाइन होते हो तब आपके फ्रेंड्स को कुछ पता ना चले कि आप व्हाट्सएप के अंदर ऑनलाइन आए हो, या फिर आप चाहते हो जब आपके फ्रेंड्स लोग आपको व्हाट्सएप के अंदर कोई भी मैसेज आपको सेंड करता है तब आप चाहते हो कि उनको पता ना चले कि आप कब उनका मैसेज को सीन किए हो। दोस्तों, जब कोई आपको आपके व्हाट्सएप के अंदर कुछ मैसेज सेंड करता है तब क्या होता है दोस्तों, जब आप उस मैसेज को सीन करते हो तब उनको पता लग जाता है कि आप उनके मैसेज को सीन किए हो, क्योंकि उनके मोबाइल पर शो हो जाता है ब्लू टिक मार्क। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिस ट्रिक की मदद से आप अगर व्हाट्सएप के अंदर ऑनलाइन भी होते हो तब भी आपके फ्रेंड्स लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि आप व्हाट्सएप के अंदर ऑनलाइन आए हो, या फिर जब कोई आपको कोई मैसेज सेंड करता है तब आप उस मैसेज को सीन कर सकते हो बट उनको पता नहीं चलेगा कि आप उनके मैसेज को सीन किए हो, क्योंकि उनके मोबाइल पर ब्लू टिक मार्क शो नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं टेक रिलेटेड और अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा इस ट्रिक को करने के लिए, और इस एप्लीकेशन का नाम है नोटिस सेव, और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा तो आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को जो जो परमिशन मांगता है आप लोगों को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको नोटिस सेव एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में एक्सेस कर लेना है। नोटिस सेव एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में अलाउ करने के बाद आपसे बहुत सारा परमिशन मांगेगा, तो आपको सिंपली परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको शो हो रहा है सबसे ऊपर ऑल एप्स का ऑप्शन, तो ये ऑप्शन ऑफ रहता है तो इसको एक बार ऑन करके फिर से ऑफ कर देना है आपको। अब आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके शो होगा व्हाट्सएप एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपको ऐप इंफॉर्मेशन पर आना है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा ओ टू स्टार्ट, तो इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों, अब आपको सिंपली बैक कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आप लोगों का काम हो गया है कॉम्प्लीट, और यहाँ पर सिंपली बैक कर देना है। दोस्तों, अब अगर कोई आपको आपके व्हाट्सएप के अंदर मैसेज सेंड करता है तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ओपन नहीं करना है। अगर आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपका लास्ट सीन शो नहीं होगा, आप ऑनलाइन आ जाओगे। आपको ओपन करना है नोटिस सेव एप्लीकेशन को, और यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगा मैसेज अगर व्हाट्सएप के अंदर कोई आपको मैसेज करता है। आप लोग यहाँ से सीन कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, और आपके फ्रेंड्स को भी पता नहीं चलेगा कब आप ऑनलाइन आए हो, कब उनके मैसेज को आप सीन किए हो। उनके मोबाइल पर आपका लास्ट सीन ही शो होगा, कोई ब्लू टिक मार्क भी शो नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।